हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ मिक्सिंग और बात करूंगा मैं आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, किसे कैसे करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम करते हैं, कोई भी टेंस करते हैं, ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, कोई भी कर रहे होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है जी। तो देखते लास्ट में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या अंधे जो वो शब्द हैं आपके, जैसे का कक्का की जो भी आपके, बस लास्ट में है हूँ होना है और गागी होना है, बाकी सब आपका पास्ट है। तो इतना ध्यान रखें कि ये पहचान है आपकी। इसके बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एम बी पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका एम बी सेकेंड आएगा अफर्मेटिव में, ओके सेकेंड अफर्मेटिव में एम बी सेकेंड आता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एम बी सेकेंड और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल राखी हेल्प अपना, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट और फिर एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट फिर ई टी सी यदि आपका अदर वर्ड हो तो, ओके। उमेश ने कार नहीं बेची, उमेश सब्जेक्ट हो गया आपका, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, नॉट आ गया, बाय एम बी फर्स्ट द कार, ओके। तो क्लियर, अब देख लेते हैं आपका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट पहला आपका आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, यदि हो तो, ये जरूरी नहीं है कि आपका यही आए, मान लो कि आपका ये नहीं आए, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में आपको एम बी फर्स्ट ही लगाना है, केवल आपको जो अफर्मेटिव है उसमें आपको एम बी सेकेंड लगाना है, बाकी में एम बी फर्स्ट, ओके। देखो आयुष अपना कार समाप्त क्यों नहीं, आयुष ने अपना कार समाप्त क्यों नहीं किया, तो आपका देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाई हो गया, डेढ़ हो गया आपका, आपका सब्जेक्ट आयस हो गया, नॉट एम बी फर्स्ट फिनिश हो गया, हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वाई डिड आयस नॉट फिनिश हिज वर्क। तो टेंस कोई भी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या है, पहचान, डेफिनेशन, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखें आप लोग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और तीसरा आपको वर्ड मीनिंग्स, जितना भी आपको पॉसिबल हो उतना लर्न कर लें, ओके।